अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो मेरी ये गिग है जो कि मैंने बनाई है। अब ये जो है ये एक्टिव नहीं है और ये आई पड़ी है ड्राफ्ट के अंदर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो नहीं होती, तो आपके साथ भी ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो एक्टिव पे जाता हूँ तो यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है, काफ़ी कोशिश की है तो उसके बावजूद भी, लेकिन ये नहीं है। तो इसकी प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप अपनी गिग को पब्लिश कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपके साथ ये ना आए। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आना है, ठीक है, अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और यहाँ पर आएंगे प्रोफाइल के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपकी, ठीक है, यहाँ पर आपकी गिग होगी, ठीक है। अब उस गिग को आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थ्री डॉट यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जो है एडिट का ऑप्शन है, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर चेंजिंग वगैरह आपने कर लेनी है। अगर जस्ट परफेक्ट लिखा हुआ है ना तो फिर तो ठीक है, ठीक है, फिर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो नीचे आना है, यहाँ पर आपने नीचे, और आने के बाद आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है, ये देखें सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक, अब ये जो है ये भी हो गया, ठीक है, बाकी जो है प्राइसिंग वगैरह ये भी आपने डाली होंगी, ठीक है, अब ये भी आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। एंड उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर फिर आपने सेव कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ उसी साइड पे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी आपने ऐसा ही देख लेनी है, ठीक है, अपनी अच्छे से डिस्क्रिप्शन बना लेनी है, ओके, हो गया। अब फिर से मैं सेव करता हूँ, ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं जी रिक्वायरमेंट के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जी ये देखें, इसको मैं सेव कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जो एक गलती होती है वो आप लोग कर जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये नहीं होती, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये देखें, ये पिक्चर वगैरह भी मैंने फ़िलहाल ये अपलोड की है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये डिलीट हो गई, ठीक है, तो ये वैसे ही मैंने कर दिया, ठीक है। तो आप तीन रखना चाहते हैं तो आप तीन रख सकते हैं, तो इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब फाइनल जो है यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको आती है या मुझे आ रही है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये देखें यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है, हम लोग था हमारी गिग तो बन चुकी है, ठीक है, लेकिन पब्लिश नहीं हो रही, ठीक है। ये देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये जो है ये नहीं हो रही, ठीक है, इसी तरह आ रही है, मैंने बार बार क्लिक किया लेकिन फिर भी नहीं आ रही, सारा कुछ चेक किया उसके बावजूद भी नहीं आ रही, ठीक है, यह हर चीज़ ओके है, ठीक हो गया। अब कौन सी गलती की है आप लोगों ने, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो आना है आपने थ्री यहाँ पर अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने आना है सेटिंग के अंदर, ठीक है, जो मेन जो आपकी गलती होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका नेम होगा, ईमेल होगा, ठीक है, और ऑनलाइन स्टेटस वगैरह ये होगा, एंड उसके बाद आपने आना है थोड़ा सा नीचे नो यहाँ पर आपने आना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट लिखा हुआ है और इसके नीचे है सिक्योरिटी, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद आपने यहाँ पर आना है। अब ये देखें दोस्तों यहाँ पर आप लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है, फ़ोन वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, ठीक है, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में नहीं दिया था जब मैंने फाइवर का अकाउंट बनाया था, ठीक है, तो आप लोगों ने भी नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने यहाँ पर वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद आपने ये जो है ना टू फैक्टर अथेंटिक वेरिफिकेशन, ठीक है, तो इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कल किया था लेकिन अभी जो है बार बार ट्राई किया, मुझे मैसेज नहीं मिला, ठीक है, तो मैं और सिम में करूँगा। अगर आपके पास टेलनोर की सिम है तो आप उसमें कर सकते हैं, आपको जल्दी मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। जैज़ में नहीं आता तो मैंने जैज में किया था, तो अभी ये टाइम पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपने मोबाइल नंबर देंगे, उसके मोबाइल नंबर के ऊपर OTP कोड आएगा, तो वो कोड आपने यहाँ पर ऐड कर देने और आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, एंड उसके बाद आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी प्रॉब्लम जो कि मैंने आपको बता दी है, अब आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।